हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से पर्सनल ईयर 3 आज मैंने लिया है। पर्सनल ईयर 3 2023 में आपके लिए कैसा रहेगा, जिसका भी पर्सनल ईयर 3 नंबर पे आ रहा है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि पर्सनल ईयर डेस्टिन नंबर जो है 35 एंड 35 के बाद, अगर आपका 35 साल हो चुका है तो एकदम इसको जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और बर्थ डेट नंबर जो है, जो साइकी नंबर के बेस पर मैंने वीडियो दिया है 1 to 9, वो तो जरूर देखेगा। तो पूरा जिंदगी भर काम करता है, जिंदगी भर चलता रहता है, सबके साथ चलता रहता है। लेकिन ये जो है 35 एंड अबव जब हो जाए, आपका उम्र हो जाए, उसके बाद ये देखना जरूरी है कि पर्सनल ईयर आपका इस 2023 में कैसा रहेगा। और आज मैं दो वीडियो आपको दे चुका हूँ, पर्सनल ईयर 1 और पर्सनल ईयर 2। आज मैं दे रहा हूँ आपको पर्सनल ईयर 3। पर्सनल ईयर 3 वालों के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुदेव 3 नंबर जो है, गुरुदेव का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, उनके साथ किसी की दुश्मनी तो है नहीं, है ना। लेकिन 1 to 9 के साथ फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, सब देवता नंबर में आता है। और सब जो नंबर उनके लिए न्यूट्रल नंबर है बेसिकली कहा जाए। और उसमें से 8 नंबर जो स्पेशली है गुरुदेव के लिए, 3 और 8 बहुत फलता फूलता है। स्पेशली अगर थर्सडे और सैटरडे के कॉम्बिनेशन में अगर कोई काम करते हैं आप, तो वो नंबर बहुत फलेगा फूलेगा और आपको 100% सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको ये समझना है, इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए कि डेस्टिन नंबर कौन सा रहेगा, साइकी नंबर कौन सा रहेगा, किस नेम नंबर कौन सा रहेगा, किस नंबर पर रहेगा, तब आपको सफलता 100% मिलने की संभावना, नहीं सफलता जो 50% से 75% तक मिलने की संभावना, इन सक्सेस रेट, ये 5 चीज़ों के लिए कैसा रहेगा। जैसा कि आपको पता है, जो डेस्टिन नंबर जो है पर्सनल ईयर जो है, जैसा कि आपको मैं अपने रिसर्च के बेस पर बता रहा हूँ, यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया कि वो है ना 35 के बाद काम करना शुरू करता है। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कुछ लोग 35 साल तक बहुत धनी रहते हैं, 35 साल के बाद 40 साल का गरीब होना शुरू हो जाते हैं, उनका सारा काम बिगड़ने लगता है, बिजनेस में लॉस होने लगता है। और कुछ लोगों का एकदम उल्टा होता है, रिवर्स होता है ना। स्टार्टिंग में गरीब रहते हैं, कुछ भी नहीं चलता फलता फूलता, अचानक से देखिए 35 साल 40 साल एकदम अमीर हो गए, गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब हो गया, बड़ा बड़ा बंगलों में शिफ्ट कर गए। कुछ बच्चों को भी आपने महसूस किया होगा, है ना, कि पढ़ते पढ़ते अचानक से एकदम तेज हो गया, और कुछ बच्चा एकदम तेज था, एकदम खत्म हो गया, दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया। तो ये सब भाग्य का खेला है। हमें अपने कर्म अकुकर्म के बेस पे डेस्टिनी नंबर मिलता है, भाग्य का भाग्यांक मिलता है ना, वो गॉड का द्वारा दिया गया नंबर है ना। उसका इफेक्ट को कम करने के लिए ही न्यूमरोलॉजी की जाती है, एस्ट्रोलॉजी की जाती है, जो कि कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया सकता है, अच्छे कर्म करके, है ना। इस बात को हमेशा इस जन्म में अच्छे कर्म करके, पिछला जन्म हमें नहीं मालूम, वो सिर्फ उनको पता है, राधे राधे को पता है। जैसा उनकी कृपा से आपको मालूम है कि मेरा 8 प्रेडिक्शन ऑफलाइन, 46 प्रेडिक्शन ऑनलाइन विद इन 6 मंथ पूरे हिंदुस्तान में आज तक, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किया, मुझे अभी तक किसी का नहीं मिला कि 46 प्रेडिक्शन ऑनलाइन किसी का 6 महीने के अंदर सही हुआ हो। ये सिर्फ राधे कृष्ण की कृपा है जो कि मेरे साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि 24 साल से आज न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी जो कर रहा हूँ उसका सारा न्यूमरोलॉजी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने 50,000 लोगों को दिया है, वो सब 100% सही है। यही साबित करने के लिए मैं ऑनलाइन प्रेडिक्शन करता जा रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में 2023 में जबरदस्त क्रिकेट प्रेडिक्शन है, पूरा साल भर मैच ही मैच है, सारा वीडियो मिलेगा आप लोगों को। मैं पूरा समय निकाल कर क्रिकेट का वीडियो तो जरूर ही दूंगा, कम से कम इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड मैच का वीडियो तो मैं जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे दोनों ही टीम बहुत पसंद है, दिल से पसंद है, उन दोनों टीम का तो मैं पक्का दूंगा, है ना, जैसे जैसे मौका मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 3-3 दिन का गैप हो जाता है, बिल्कुल समय नहीं मिलता है। एनीवे, पर्सनल ईयर निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, अपने बर्थ डेट, बर्थ मंथ को और करंट ईयर जो 2023 उसको जोड़ देंगे, 2023 निकाल रहे हैं हम। मान लीजिए किसी का 4 जनवरी है, किसी का है ना बर्थ, और 2023 लिख लिए, सबको जोड़ दिए तो 12 आया, 3 नंबर पर्सनल ईयर 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे डेस्टिनी नंबर 3 जो है वो लकी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है। 3 जो है एज ए साइकी नंबर लकी होता है, साइकी नंबर 2, 3, 4, 6, 8 ये एक्सट्रीमली लकी नंबर होता है एज ए साइकी नंबर, बर्थ डेट नंबर। और डेस्टिन नंबर 1, 7, 5, 9 सुपर डुपर नंबर कॉम्बिनेशन इन दोनों का होता है। और अगर नेम नंबर्स हो गया इसके ऊपर तो सोने पे सुहागा, अगर 1, 3, 5, 6, 9 पे हो गया, स्पेशली 1, 3, 6, 9 पे हो गया तो सोने पे सुहागा। 5 पे सिर्फ एक नंबर को जबरदस्त सूट करता है, जैसा कि हमको पता है, या तो 5 वाले को 5 नंबर नेम नंबर जबरदस्त सूट करता है, चाहे वो साइकी हो चाहे डेस्टिनी हो, जो भी हो, लेकिन अगर डेस्टिनी हो तो सोने पे सुहागा। अब इसके बेस पे ये कैसे काम करेगा उसको मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराने की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि तो अगर आपका एंटी नंबर है, अगर आपका नेम नंबर आपके साइकी या डेस्टिनी के साथ फ्रेंडली नहीं है, तो आपके जीवन में 15 प्रॉब्लम में से 10 प्रॉब्लम भी हो सकता है, 20 प्रॉब्लम भी हो सकता है, 25 प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन ये 15 में से 5 तो होगा ही होगा। अब वो 5 प्रॉब्लम क्या है, डेली इनकम की कमी होगी, कॉन्स्टेंट इनकम की कमी होगी, बैंक बैलेंस की कमी होगी,
बिल्कुल नहीं होगा बैंक बैलेंस, पैसा आता होगा बहुत, कभी गृह का ना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी मुट्ठी बना। पूरी दुनिया में 800 करोड़ में से 5% लोग सुखी हैं, जिनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, बैंक बैलेंस है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है। 95% लोग है ना, सिर्फ 40 करोड़ लोग सुखी हैं। 760 करोड़ पीपल के साथ जो है ना, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी मना वाली स्थिति है। कभी बहुत आता है, कभी 50% आता है, कभी वो भी नहीं आता है। कभी कभी देखिएगा आपका नौकरी चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, 4-4 साल 5-5 साल एकदम खत्म हो गया, तो 2-3 साल तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, एक पैसा नहीं आता है। बैंक में बहुत पैसा आता है, लेकिन बैंक में एक पैसा नहीं ठहरता है, उल्टा पुल्टा कामों में खर्च हो जाता है। कभी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव आपको बेवकूफ़ बना कर निकल जाते हैं ना, बहुत सारा चीज़ ऐसा आपके साथ होता होगा। जमीन खरीद रहे हैं, रुकावट आ रहा होगा, बाधा आ रहा होगा, तो ये वेल्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होगा। एक लैपटॉप तक नहीं होगा घर में, बड़े भाई छोटी बहन बड़ी बहन की मदद से आपका घर चल रहा होगा, ऐसा भी स्थिति हो सकता है। ऑटो में जाने के लिए पैसा नहीं होगा, बस में जाने के लिए सोचते होंगे, कभी कभी पर्स में आपको 2-2 रुपया 4-4 रुपया की कमी हो जाती होगी, एक एक दिन ऐसा फील होता होगा। ये सब एंटी नंबर की वजह से होता है, अनफ्रेंडली नंबर, एनिमी नंबर की वजह से होता है। हायर एजुकेशन, डिजायर्ड करियर, डिजायर्ड जॉब बिल्कुल नहीं मिलता, सब चीज़ बाय चांस मिल रहा है, बाय चॉइस आपको कुछ भी नहीं मिलता है। बनना चाहते थे कुछ और, बन रहे हैं कुछ और। फॉरन एजुकेशन, जॉब सेटलमेंट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, टिकट तैयार है, आपका पासपोर्ट तैयार है, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपने कंट्री का भी रूल चेंज हो जाता है, बाहर कंट्री का रूल चेंज हो जाता है। इलीगल तरीके से आप बॉर्डर तक पहुँच जा रहे हैं, वहाँ से भगाए जाते हैं, मारे जाते हैं, पकड़ के वापस लाए जाते हैं, आपको जेल हो जाती है, करोड़ों रुपये खर्च हो जाता है, उसके बाद भी नहीं हुआ है, सिर्फ एंटी नंबर की वजह से होता है, एनिमी नंबर, अनफ्रेंडली नंबर की वजह से होता है। मैरिज प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज के डेट में, ब्रेकअप, डिवोर्स कैसे, डाइवोर्स जिसको बोलते हैं, सेपरेशन, फ्रॉड, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जबरदस्त 80% केसेस आज के डेट में, कोई नहीं बच पा रहा है इससे, सारा पूरा घर धसना सो चुका है, कर्जा ही कर्जा आपके ऊपर, मोर लोन एंड डेट हो गया है। रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे, गाली गलौज करके चले जाते, धमका के चले जा रहे हैं, है ना। आपका फ्रिक्वेंट जॉब चेंजेज हो रहा है, बिजनेस चेंज हो रहा है, 15 बिजनेस चेंज, कुछ किसी भी सफलता नहीं मिल रही। नेचुरली अब 3 नंबर वाले हो तो आपके लिए बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सबसे बेस्ट बिजनेस रहेगा, और आप कर रहे हो रियल एस्टेट का बिजनेस, कैसे सफलता मिलेगा इसको आपको समझना है। YouTube पे जो वीडियो है वो दवाई दुकान में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है, जिसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। इसलिए आधा ज्ञान से न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं करना, फुटपाथ पे पढ़े हुए किताब को पढ़ के कोई न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं बन जाता। 105 किताब पढ़ चुका हूँ 24 साल में, है ना, तब जाके हम लोग परफेक्ट प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन राधे कृष्ण की कृपा से कर पाते हैं। इस बात को नहीं बोलना, फुटपाथ से उठा किताब पढ़ने से कोई न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाता, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद नो प्रमोशन इंक्रीमेंट, बहुत एफर्ट ले रहे उसके बाद भी प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है ना, एकदम जो लहाड़ भरा हुआ है, रोज कचकच कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा। सिकनेस डिजीजेस, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार हो रहा है, कुछ ना कुछ बीमारी लगाते, बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी आप खुद बीमार, कभी मम्मी पापा बीमार, है ना, पूरा घर जो है बीमारियों का जड़ बना हुआ है। आज भी देरी नहीं हुई है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा टाइप, 3 टाइप का सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, देख लो उसमें कौन सा टाइप का सर्विसेज चाहिए, समझ में आता है तो बहुत ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन डाउट हो मुझे कॉल करो, मैसेज छोड़ो, और आज ही अपने परिवार का न्यूमरोलॉजी कराओ। एक बार इन्वेस्टमेंट होगा, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम आपका भाग्य रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा, इस बात को नहीं भूलना है आपको। आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, आने वाले दिनों में जितना हम वीडियो है सब देखो, समझ में आएगा क्या है, क्योंकि हम और आचार्य जी दोनों डर का बिजनेस नहीं करते हैं। एक बार हमसे आपने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करा लिया तो जीवन भर आपको किसी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदुस्तान में, और ना ही कोई आपको डरा पाएगा ना ठग पाएगा, इसलिए इस बात को नहीं भूलना है। अब चलिए बताता हूँ कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर ये है और साइकी नंबर ये, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, 100% सफलता मिलेगा। खाली इस बात का ध्यान रखना कि नेम नंबर भी इसी कॉम्बिनेशन में फ्रेंडली नंबर पर होना चाहिए। तो फाइनेंस एंड मनी 3 नंबर वालों के लिए 2023 में, जो कि 7 नंबर पे आता है 2023, केतुदेव का नंबर है, मैं डिफिकल्ट नंबर बोलता हूँ, मैं किसी भी नंबर पर अनलकी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मानो तो राम नहीं तो पत्थर, मानो तो सब नंबर लकी नहीं तो सब नंबर अनलकी, मानो तो सब नंबर आपके लिए धन दौलत ला सकता है, पैसा ला सकता है, तो कोई नंबर नहीं ला सकता आपके लिए, बात खत्म। इसलिए मैं सब नंबर को 4, 7, 8 को डिफिकल्ट नंबर मानता हूँ, 2 और 7 को भी डिफिकल्ट मानता हूँ, अनलकी नहीं मानता, सब नंबर लकी होता है, सब नंबर में इतनी ताकत है कि वो आपके लिए धन दौलत पैसा ला सकता है। खाली फ्रेंडली होना चाहिए, 4, 7, 8 वालों का अगर बचपन से फ्रेंडली नेम नंबर कर दिया जाए ना, तो वो सबसे धनी व्यक्ति बनेंगे अपने जीवन में, इस बात को ध्यान रखना है। अभी भी अगर आपके घर में कोई बच्चा का 9th पास नहीं किया है तो अभी भी उसका नाम चेंज हो सकता है, देरी ना करिएगा, फटाक से नाम चेंज कराइए। तो 3 नंबर वालों के लिए फाइनेंस एंड मनी 100% सफलता मिलेगा, और सेकंड नंबर वाला वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने बनाकर दिया, कौन सा डे डेट और मंथ पे आपको काम करना, उसी हिसाब से काम करना है तो आपको 100% सफलता मिलेगा। एजुकेशन करियर जॉब में बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर में जबरदस्त सफलता मिलेगा,
इस बात को ध्यान रखना है आपको। बिजनेस न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी जबरदस्त 100% सफलता मिलेगा, चाहे न्यू बिजनेस करो चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस करो। क्योंकि तीन नंबर का किसी से दुश्मनी नहीं होता, चार नंबर तीन नंबर थोड़ा सा ये होता है कि राहु देव के साथ, लेकिन उसको न्यूट्रल हो जाता है। न्यूमोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत कुछ है, मुझे उसमें नहीं जाना है नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा, ठीक है। तो 100% मैरिज के लिए जो है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2-7-4-8 पर मैरिज नहीं करना। अब बी केयरफुल, बहुत फ्रॉड हो रहा है ना मैट्रिमोनियल साइट्स पे, बहुत फ्रॉड हो रहा है उसके थ्रू जा रहे हो, तो बहुत 360 डिग्री अप्रेजल से वेरिफिकेशन करना। 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब चारों तरफ से पता लगाओ किसी भी लड़के लड़की के बारे में, कुछ सही है कि नहीं है। किसी भी दिखावे पे नहीं जाना, कोई ज़्यादा पैसा खर्च करे या अति भक्ति चोरी लक्षण बोला जाता है ना, इस बात को ध्यान रखना है। कोई बहुत ज़्यादा भक्ति दिखाए समझे उसके मन में चोर है, वो चोर है एक्चुअली। इसलिए बी केयरफुल 2023 में 5 या 7 कुछ बड़े इंसिडेंट या छोटे इंसिडेंट होंगे, जिसमें से जो 5 मैंने मेजोरिटी अच्छा होगा और 2-3 जो होगा थोड़ा बहुत ख़राब होगा, है ना, कुछ नुकसान हो सकता है, जॉब छूट सकता है, इस तरह का होगा। इसका डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ज़्यादा होगा, इसीलिए उस बात को ध्यान रखना है। और 5-6 महीना तो बहुत ही अच्छा सब क्लियर रहेगा, सारे नंबर्स क्लियर रहेगा। स्पेशली 1 और 2 नंबर वालों के 5-6 महीना बहुत अच्छा रहेगा, 3 नंबर वालों का 12 ही महीना अच्छा रहेगा। इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो सेकंड नंबर में जो मैंने मंथ बताया उसके हिसाब से करना है, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है, है ना। बाइंग एंड सेलिंग के लिए भी वही डे मंथ और जो मैंने बताया है डे मंथ और क्या बोलते हैं उसको पर्टिकुलर, वो देख के सेकंड नंबर के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना है, अपने मन से दिमाग लगा के नहीं करना है। क्योंकि आधा नॉलेज अगर है तो लिटिल लर्निंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग, इस बात को नहीं भूलना है। फिर से रिपीट करूंगा, 2023 में जबरदस्त क्रिकेट मैच होने वाला है पूरा साल भर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो मेरे वीडियो को, फीडबैक दीजिए मुझे कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, है ना, सो दैट मेरा मोटिवेशन लेवल और हाई होता चला जाए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।